किए हम यहाँ तक का सफ़र। भूल दोस्तों, सर्दी का मौसम ज़्यादा है, सर्दी अधिक होने के कारण हम अपने कान भी नहीं खोल पा रहे हैं, इसलिए आपको एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। हम आपको आपको ले चलेंगे मंदिर पर। यहाँ एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है जिसे धर्मधारी के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम दर्शन कराते हैं, शुरुआत कराते हैं मंदिर के दर्शनों के साथ। शुरुआत में एक झंडा लगा हुआ है सफ़ेद, यहाँ से मंदिर की सीमा प्रारंभ होती है। आगे चल करके मंदिर का जो स्थान है उसके हम दर्शन कराएंगे। जो एक देसी बमूरा का पेड़ है, यहाँ देख पा रहे होंगे इस पे झंडा लगा हुआ है। अब आगे ले चलते हम, ककरीली ज़मीन है जो आप देख पा रहे होंगे, कंकड़ है इस ज़मीन पर, इस पे फिसलने का काफ़ी डर रहता है। आगे लिए चलेंगे हम मंदिर के किनारे पर। देखिए दोस्तों, जो आपको दिख रहा होगा बहुत प्राचीन मंदिर बना हुआ है, पुनः इस पर रिपेयरिंग का काम कर दिया गया है। लगभग लोगों का मानना है कि जो 200-300 वर्ष पुराना प्राचीन मंदिर है, जो इसे धर्मधारी के नाम से जाना जाता है, घनघोर जंगलों के बीचों बीच स्थित है। हमारे अटेर की यह स्थिति है कि हमारे यहाँ मंदिरों की किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है। जंगल के अंदर, शहर के अंदर अटेर गाँव में भी और जंगलों में भी, चारों तरफ घनघोर जंगलों में भी मंदिर मिल जाते हैं। तो प्राचीन मंदिर का नमूना आप यहाँ देख पा रहे हैं, चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ है और साथ ही बीचों बीच यहाँ दृश्य हम दिखाएंगे, पूरे चारों ओर का दृश्य एक बार हम आपको चारों ओर के दृश्य रूबरू कराते हैं। मंदिर के पास में फिलहाल किसी ने एक पेड़ लगाया है, नीम का पेड़, बहुत छोटा है। भेड़ बकरियां जंगल में आते रहते, इसलिए पेड़ को खाते जाते, इसलिए यह पेड़ विशाल रूप नहीं ले पा रहा है। आगे चलकर हमें विश्वास है कि यहाँ छाया का बहुत अच्छा इंतजाम हो जाएगा। जोखिम भरे रास्तों से, विषम और कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए हम आगे की मंजिल और रास्ता तय कर पा रहे हैं। बहुत ही खतरनाक और डरावना रास्ता है, जो जंगल है वो भी चंबल का जंगल, ये सबसे विषम परिस्थितियों का जंगल है, क्योंकि बिहड़ में चारों ओर कटीला जंगल है। तो कटीला जंगल होने के कारण यहाँ चलना मुश्किल नहीं होता, ये बहुत ही विषम परिस्थितियों का सफर है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है, यहाँ लोग समय समय पर अपनी प्रार्थना को लेकर के मंदिर पर आते हैं और उनकी जो भी मनोकामना रहती है वो मंदिर के माध्यम से शायद पूरी हो जाती होगी। आप देखने, बहुत ही प्राचीन प्राचीन मंदिर, और ये प्राचीन कुआं, यहाँ हम आपको प्राचीन कुआं दिखाएंगे। इस मंदिर के पास में जहाँ जहाँ भी मंदिर है वहाँ हमें प्राचीन कुआं देखने के लिए मिलता है। यहाँ मोहर सिराया जाता है, जो अपने यहाँ शादी होती है, शादी के बाद मोहर छठ के दिन मोहर का विसर्जन किया जाता है, उसी जगह पर आपको लेकर के आए हैं। यहाँ मोहर का विसर्जन भी किया जाता है, तो उस कुआं के दर्शन कराएंगे जिसमें मोहर को डाला जाता है। तो आगे लिए चलते हम कुआं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये कुआं है जिसको हम दिखा पाए। एक और जोखिम भरे रास्ते से हम आपको नीचे लिए जा रहे हैं, बहुत ही खतरनाक और भयंकर रास्ता, जो शायद यहाँ से अगर थोड़ा भी ध्यान चूका तो नीचे गिरना संभव है, और नीचे भी इतनी खाइयाँ हैं कि काफ़ी चोट आने की संभावना है। तो इसलिए रास्ते बहुत ही खतरनाक साबित होते हैं चलने फिरने के लिए। हम इस रास्ते से आगे का सफ़र तय करेंगे और इस रास्ते से दूसरे रास्ते पर जाने का काम कर रहे हैं, जो आप सामने देख पा रहे होंगे। Thank you.
हाय गाइस, जैसा कि आपने देखा कि इस डरावने रास्ते से, दर्दनाक और जोखिम भरे रास्ते से वहां से उतरकर हम दूसरे रास्ते पर उससे ज़्यादा ऊंचाई पर चढ़े। ऊंचाई पर चढ़ने के कारण थकावट बढ़ी, इससे थोड़ा बीपी भी हाई हुआ, बोलने में रुकावट महसूस हो रही है। लगभग 50 मीटर ऊंचाई, 50 मीटर नीचे उतरे फिर 50 मीटर ऊपर चढ़े, तो मैंने इसलिए दिखाया ताकि आपको लगे कि वास्तव में इस जंगल में कितना ऊंच नीच जंगल है, जिसे उतरने चढ़ने में किसान को या लकड़हारों को कितनी विशेष परिस्थितियों का सामना करना पड़ता होगा। आज हमारी टीम के साथी रेस्क्यू में सम्मिलित हुए हैं, जैसा कि उन्हें देख पा रहे होंगे आप। इससे पहले भी हमने उन्हें दिखाया है, आज फिर हम जंगल की ओर आए तो हमें लगा कि अपने साथियों को भी दिखा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे भी इस विशिष्ट परिस्थिति का सामना करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस विशिष्ट परिस्थिति में वो लोग कितना प्रयास कर रहे हैं, और जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे, ये पहुंच चुके हैं एवरेस्ट पर, मंदिर की ऊंचाई पर। हाय गाइस शब्द का उन्होंने उपयोग किया। कितना भव्य नज़ारा जो आप देख पा रहे होंगे, मैंने अपनी टीम से पहले भी आपको रूबरू कराया, आज फिर रूबरू करा रहे हैं। अब वे लौट करके नीचे की ओर आ रहे हैं। जंगल में घूमते घूमते ऐसी परिस्थिति आ गई है कि हम लोगों ने कभी जंगल के अंदर तो गए नहीं थे, तो आज इस जंगल में, घनघोर जंगलों में हम फंस चुके हैं, जब रास्ता भी समझ में नहीं आ रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, घनघोर जंगलों का रास्ता तय करके हम लोग इस परिस्थिति में पहुंचे हैं कि अब ऐसा लग रहा है घर का रास्ता मिल चुका है, बहुत जल्दी हम अपनी मंजिल पर पहुँच सकते हैं। मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, तो अब देखिए हम मंजिल पर, बिल्कुल मंजिल के नज़दीक आ चुके हैं। मुख्य मार्ग जहां से अटेर मात्र 500 मीटर दूरी पर है, हम मुख्य मार्ग पर आ चुके हैं। अब समय इजाज़त नहीं देता, अब हम लेते हैं आपसे विदा, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।